Well, both good Tony Valens film. Lila, I don't even know where to start. Jay's character made a character. Actually, we have a parallel story going on, and my story starts from London. My story starts from Mumbai. And we meet in Rajasthan, and the story ends in Rajasthan. So, in simple words, ek paheli is me, and Leela is Sunny. मैं एक musician कम singer का role play कर रहा हूँ इस film में. Happy go lucky guy, बहुत मस्ती करता है. सब शुरुआत में दिखाया गया अपने गानों के through और सब में. लेकिन किसी कारणवश वो किसी problem में फंस जाता है. उसके आज के वजह से ना usually कहते हैं कि you know अच्छे कर्म करो सब कुछ अच्छा होता है. लेकिन उसने तो अच्छे कर्म भी किए लेकिन फिर भी वो फंस गया. लेकिन आज के कर्म के वजह से नहीं कुछ पिछले कर्म के वजह से वो कैसे उस चीज़ों को हैंडल करता है, कैसे वो उससे बचता है नहीं बचता, वो पूरी कहानी है. I wouldn't call it a double role. It's not a double role. It's one role and then it goes into my past. Meera is a model from London and ye first look mein she's carefree, she's a model, she wears short dresses, tight skirts, all these types of things, and her character gets tricked into going to Rajasthan. Rajasthan mein she has a photo shoot and she meets a prince, aur prince ke saath shaadi hoti hai and they fall in love. And in between, as Jay was just saying, Jay's character, he's trying to find out past mein kya hua. So then we go into a flashback, and flashback mein Leela aapko milti hai. And between Leela, Shravan and Bhairav, the story actually really begins there. Kya hua is past mein, Leela is so madly in love with Shravan, or Shravan ke liye kuch bhi kar sakti hai. And wo kuch bhi kar sakti hai mein, she... they get into a situation and both situation is what brings us to, you know, to the present. अच्छा लैंग्वेज की बात करें तो वेल रजनीश के साथ तो मैं पहले भी मतलब यू नो हम दोस्त रह चुके हैं और हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं. ये किसी को पता नहीं है बट एवरी मॉर्निंग हम हमेशा एक ही ग्राउंड में मिलते हैं और फिर हम लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं. सो उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी. तो रजनीश के साथ तो इतना वक्त नहीं लगा यू नो क्या कहते हैं दोस्ती बढ़ाने में या फिर यू नो वो इक्वेशन लाने में. जो मुश्किल हो रही थी वो सनी के साइड से हो रही थी क्योंकि मेरे को सनी के बारे में कुछ पता नहीं था इससे पहले कि वो कौन है, कैसी है, क्या पता मतलब मेरा ओवर फ्रेंडली नेचर या फिर मेरी मस्ती उनको ख़राब लग जाए. तो शुरू में तो मैं पूरा एक जेंटलमैन की तरह राजस्थान के 25 दिन मतलब बोलते ना एकदम क्या कहते हैं हाँ इनोसेंट गाय अर्नब की तरह मैं एकदम यू नो प्रोफेशनल वे में हेलो हाय हाउ आर यू वेरी गुड. तो ये बात में जैसे मालूम पड़ा कि अंदर से पूरी टॉम बॉय और ये खुद ही मुझे बोली थी यहाँ पे सब इतने सीरियसली क्यों काम करते हैं. तो मैंने बोला ले भाई पूरा सेट ही क्वाइट था राइट. तो सबको वो था कि एक बार ये ग्रीन सिग्नल दे दे उसके बाद हम मस्ती शुरू करते हैं. तो उन्होंने ऐसे बोला यहाँ पे सब एकदम सीरियसली क्यों काम करते हैं. मैंने बोला ले भाई ये तो मैं चाहता ही था कि ऐसा हो. एंड फाइनली फिर मैंने अपनी मस्ती शुरू की और फिर में बहुत मज़ा किया हमने. यू नो वी हैड गुड फन वर्किंग बिकॉज वो 12 घंटे शूट करना इज़ रियली डिफिकल्ट. लोगों को लगता है कि वो 12 घंटे हम बहुत मतलब यू नो पार्टी होता है हम कोई कुछ काम भी नहीं करते लेकिन एक्चुअली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कीप दैट काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम 12 यू नो फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्ट टिल द 12th आवर. वो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो करने में. एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक 12th आवर में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन मिल जाता है विच इज लाइक यू नो एनर्जी कंज्यूमिंग प्लस यू नो आपको क्या बोलते हैं फिजिकली मेंटली बहुत यू नो एनर्जी डालनी पड़ती है. और उस वक्त ये सारी जो छोटी छोटी मस्ती रहती है वही आपको रीजनरेट करती है. एंड यू नो यू फील लाइक यू नो वर्किंग अगेन बिकॉज अगेन यू फील लाइक यू नो अरे अभी तो मज़ा आ रहा है शूटिंग में चलो और काम करते हैं वैसा. एंड समटाइम्स ऐसे 12 आवर्स के बाद वो 13 आवर्स होता है, 14 आवर्स होता है, 15 16 आवर्स होता है एवरी सो ऑफन. सो ऐसा नहीं था हर रोज 12 आवर्स का था. या दैट्स ट्रू समटाइम्स इट वाज अ लॉट लॉन्गर एंड स्पेशली द नाइट शिफ्ट्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट वन. आई स्टिल रिमेंबर हम लोग 7 बजे सेट पे आए थे एक दिन रात को और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10:30 11 o'clock को हमारा पैकअप हुआ था. मॉर्निंग मतलब हमने एक पूरा दिन देख लिया, रात देख ली और फिर क्या होता है सुबह सुबह की वो जगह सूरज देख ली तो फिर नींद भी नहीं आती है. हाँ सो ये सारी चीज़ों में द ओनली थिंग यू नो विच एक्चुअली हेल्प्स यू इज योर हाई एनर्जी योर यू नो योर ह्यूमर योर यस यस फन Emmett's creativity. Yes. उसने क्या क्या किया हर सॉन्ग में कैसे डिफरेंट
बनने के लिए क्या करना हिज क्रिएटिविटी रियली डिड शाइन इन दिस मूवी एंड आई थिंक दैट व्हेन पीपल वॉच इट इन द मूवी इटसेल्फ एंड वॉचिंग दिस इट्स अ जर्नी क्योंकि व्हेन यू वॉच जेज फर्स्ट सॉन्ग एंड जब आप मेरे सॉन्ग यू नो फर्स्ट सॉन्ग देखते हो एंड देन आप लास्ट सॉन्ग देखते हो कितना डिफरेंस होता है ईच कैरेक्टर में सो इट्स अ जर्नी एंड आई थिंक वो जर्नी सबको अच्छा लगेगा. अच्छा आखिर में ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे, फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है बॉक्स ऑफिस पर, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन? वेल मैं अपने सारे फैंस अपने ऑडियंस से इतना ही कहना चाहूँगा दैट प्लीज़ इस फिल्म को देखने ज़रूर जाइएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है. मैंने ये फिल्म देखी है, सनी ने ये देखी है और इनका जिससे जैसे उन्होंने ये फिल्म देखी थी उन्होंने एक लाइन कही थी जो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था इस फिल्म पे. उन्होंने कहा था दिस फिल्म मेक सेंस. सो वो एक चीज़ से मैं काफ़ी हो गया था कि चलो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही पसंद आ रही है. सो आई वुड लाइक ऑल माय फैंस एंड व्यूअर्स टू गो एंड वॉच दिस फिल्म ऑन द 10th ऑफ अप्रैल एंड बॉक्स ऑफिस पे इसे ज़रूर हिट करना. आई थिंक दैट सभी लोग ये फिल्म बहुत अच्छा लगेगा. इट्स डिफरेंट क्योंकि जो भी मूवीज अभी रिलीज हुए देर नॉट लाइक दिस. इतना ग्रैंड है, इतना इसके कलर्स, इसके लोकेशंस, इतना बड़ा कैनवस है इस मूवी में एंड ऑल्सो 9 सॉन्ग्स लाइक यू नो वी हैव टॉक्ड अबाउट एंड मैं चाहती हूँ दैट माई फैंस गेट टू सी समथिंग दे हैव नेवर सीन फ्रॉम मी एंड गो टू द मूवी थिएटर्स 10th ऑफ अप्रैल. एंड एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी मुझे याद आया दैट इस फिल्म में एक लोकेशन को एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं किया गया है. यू नो इन जस्ट कपल ऑफ सीन्स आपको वो एक सीन मिल जाएंगे जहाँ पे 3 बार यूज़ किया है या फिर 4 बार यूज़ किया एंड दैट्स इट. 3 बार एक एंड दैट वाज द पैलेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. द पैलेस लोकेशन जो हमने क्रिएट किया था मुंबई में दैट वाज द ओनली लोकेशन जहाँ पे यू नो 3 से 4 सीन्स आपको मिलेंगे लेकिन बाकी जितने भी सीन्स हैं एवरी सीन यू विल फाइंड अ डिफरेंट लोकेशन 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अदर वन.